वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ नहारी। इसके लिए मैंने नहारी का 1 किलो गोश्त लिया है, 300 ग्राम प्याज ली है बारीक कटी हुई, मसालों में लिया है 1 चम्मच खसखस ली है, 2 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है, 3-4 साबित लाल मिर्च ली है, 3-4 तेज पत्ता लिए हैं, 4 हरी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 पीपली ली है, थोड़ी सी अजवाइन ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 चम्मच बेसन लिया है, नमक पेस्ट के अनुसार 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच अदरक का पाउडर लिया है, 200 ग्राम दही ली है, 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। सबसे पहले हम अपने साबित मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने एक पैन ले लिया है, अब हम इसमें सारे साबित मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। एक से दो मिनट तक फ्राई करने मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे मसालों में से खुशबू आने लगी है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा कर पीस लेंगे। हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं, अब हम बेसन को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसको भी इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसमें से भी अच्छी सी स्मेल आने लगी और स्लो फ्लेम पर करेंगे। हाई फ्लेम पर करेंगे तो बेसन जल जाएगा। हमारा बेसन ड्राई रोस्ट हो चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे 200 ग्राम के करीब। इसके बाद प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ पिंक करना है। हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भी इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। चलाते हुए फ्राई करेंगे अच्छे से। गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके साथ इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। हम गोश्त को लहसुन अदरक के साथ फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। हमने अपने साबित मसाले को पीस लिया है, अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक का पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 1 से 1.5 किलो नहारी बनाने के लिए मसाला परफेक्ट है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसको गोश्त में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने मसाले को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 200 ml के करीब। अब हम इसको कवर कर
हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगा देंगे और फिर गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। कुकर में 2 सीटी आने के बाद हमने गैस के फ्लेम को स्लो कर दिया था और 20 मिनट पकाया। अब हम गोश्त को चेक करते हैं। ये गोश्त अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही के साथ 10 मिनट अच्छे से भूनेंगे। दही के साथ नहारी को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो हमने बेसन को रोस्ट किया था वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ भी 5 मिनट और भूनेंगे। नहारी को बेसन के साथ भी भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी नहारी तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। हमने नहारी को डिश आउट कर लिया है। इसको नान के साथ सर्व करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। एक बार मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।